So today I am going to teach you the 13th chapter of EBS of class 2, that is kinds of houses. Okay, all of you know what is the meaning of house. House का मतलब होता है घर. तो इस chapter में हम लोग पढ़ेंगे कि घर कितने तरह के होते हैं. Okay? तो the main topic of this chapter is that we will learn that how many types of houses are there. And the second topic we will learn in this chapter that who makes our house. Okay, कौन हम लोग का घर बनाता है. ठीक है. एंड और हम लोग को घर बनाने में क्या क्या प्रोसेस होता है, घर बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस लगता है और किस तरह घर बनाया जाता है. तो इस चैप्टर में हम लोग दो ये मेन टॉपिक पढ़ेंगे कि घर कितने तरह के होते हैं और घर हम लोग को किस तरह बनता है. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, काइंड्स ऑफ हाउसेज. वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, एनिमीज एंड वाइल्ड एनिमल्स. हम लोग सबको क्या चाहिए होता है, घर चाहिए होता है रहने के लिए. घर हम लोग को गर्मी, ठंडी, बारिश, दुश्मनों से और डेंजरस एनिमल्स से बचाता है. लॉन्ग एगो अर्ली ह्यूमन लिव इन केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. बहुत समय पहले अर्ली ह्यूमन कहाँ रहते थे, केव्स में, मीन्स गुफा में रहते थे ताकि वो खतरनाक जानवर से बच सके, ठंडी से बच सके, गर्मी से, बारिश से, धूप से बच सके. ठीक है. एज टाइम पास दे बिगेन टू बिल्ड शेल्टर फ्रॉम वुड, स्टिक्स, स्टोन, मड, काउ डंग एंड स्ट्रो. जैसे जैसे समय बीतता गया उसी तरह वो लोग घर बनाते गए रहने के लिए. जैसे लकड़ी से घर बनाते हैं, पत्थर से, मिट्टी से, काउ डंग से. ठीक है. तो ये सब को यूज़ करके वो लोग अपना घर बनाते थे. दे लर्न टू मेक ब्रिक फ्रॉम क्ले एंड स्टोन. उसके बाद वो लोग धीरे धीरे ब्रिक बनाना सीखे मिट्टी और पत्थर से. दे डिज़ाइन टेंट फ्रॉम एनिमल स्किन. उसके बाद वो लोग टेंट बनाने लगे किससे, स्किन से, एनिमल स्किन से. ठीक है. दे बिगेन सोइंग वुड इनटू बोर्ड टू यूज फॉर बिल्डिंग. ओके. तो उसके बाद वो लोग वुड यूज़ करने लगे. सोइंग वुड इनटू बोर्ड, बोर्ड्स के में, वुड को बोर्ड्स में करने लगे ताकि वो लोग उसमें रह सकते, बिल्डिंग बना सकते. ठीक है. तो राइट द एड्रेस ऑफ योर हाउस. अपना हाउस का एड्रेस लिखना है तो सभी लोग लिख लेंगे खुद के हाउस का एड्रेस. ओके. नाउ काइंड्स ऑफ हाउसेस. हाउसेस कितनी तरह के होते हैं. डिफरेंट प्लेस हैव डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हाउसेज. पीपल इन विलेज लिव इन हट्स. देयर हाउसेज आर बिल्ड यूजिंग वुड, स्टोन, मड एंड स्ट्रो. ठीक है. तो अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के घर हम लोग को देखने को मिलेंगे. जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग का हाउस किस चीज़ का बना हुआ रहता है, लकड़ी का. ठीक है. मिट्टी का, पत्थर का और स्ट्रो का बना हुआ रहता है. ठीक है. दीज हाउसेज कैन बी बिल्ड ईजिली. और ये सब हम लोग बहुत ईजिली बना सकते हैं. थिक वॉल्स मेक दिज हार्ट कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर. जो ये लोग ये सब हाउसेस का वॉल्स बहुत थिक होता है. ठीक है. इसी वजह से गर्मी में हाउस को ठंडा रखता है और ठंडी में हाउस को गर्म रखता है. दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस. तो ये सब हाउस को क्या बोलते हैं, कच्चा हाउस बोलते हैं. ठीक है. इन सिटीज मैनी हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स. ठीक है. सीमेंट एंड आयरन. तो बहुत सारे सिटीज में हाउसेस किस चीज़ के बने होते हैं, सीमेंट का. ब्रिक मीन्स ईट, आयरन मीन्स लोहा. ठीक है. द डोर्स एंड विंडोज आर मेड अप ऑफ वुड, स्टील एंड ग्लास. और जो दरवाजे और खिड़की होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, लकड़ी के, स्टील के और ग्लास, शीशा जिसको बोलते हैं. ठीक है. कांच का. दे आर नोन एज पक्का हाउस. तो ये सब हम लोग पक्का हाउस बोलते हैं. पक्का हाउस आर वेरी स्ट्रांग. ये सब हाउस बहुत स्ट्रांग, मजबूत होते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज बंगलो फ्लैट्स. और ये बहुत सारे तरह के होते हैं जैसे बंगलो, फ्लैट एक्सेट्रा. नेम द हाउसेस रूम्स ऑफ दिस हाउस एंड लेबल द थिंग्स यू फाइंड इन ईच रूम्स. ठीक है. तो आपको लेबल करना है कि ये कौन कौन सा रूम है. ठीक है. और इस रूम में क्या क्या चीज़ें पाए जाते हैं. तो आपको ये खुद से लेबल करना है. ओके. अंडरस्टूड. सभी लोग इसको लेबल करेंगे खुद से. पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज. मीन्स लोग अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग तरह के घर बनाते हैं. नोमैड्स आर पीपल हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. नोमैड्स वो लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. सब नोमैड्स लिव इन टेंट. तो कुछ नोमैड्स होते हैं जो टेंट में रहते हैं.
टेंट क्या है? अ टेंट इज अ मेड ऑफ कनवास एंड कैन बी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये कनवास का बना हुआ रहता है और इसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। सो टर्न द पेज। अ हाउस ऑन व्हील इज कॉल्ड कारावान। जो हाउस व्हील के ऊपर होता है, मीन्स चक्का के ऊपर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कारावान बोलते हैं। इट कैन बी पुल्ड बाय कार और हॉर्स। ये खींचा जा सकता है कार या हॉर्स के थ्रू से, मीन्स उसके हेल्प से। सम पीपल बिल्ड देयर हाउसेज ऑन बोट। कुछ लोग अपना घर बोट के ऊपर बनाते हैं। दे आर कॉल्ड हाउस, तो उसको हम लोग हाउस बोट बोलते हैं। द डाल लेक इन कश्मीर हैज़ मेनी हाउस बोट। और जो डाल लेक कश्मीर में है उसमें हम लोग बहुत सारे हाउस बोट देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए पिक्चर दिया हुआ है कारावान का, हाउस बोट का। यहाँ दिया हुआ है लर्न मोर। इन द पास्ट सिटीज़ वर सराउंडेड बाई वॉल्स। पहले क्या होता था? सिटीज़ वॉल्स से सराउंडेड होता था, चारों तरफ से वॉल से घिरा हुआ होता था। फतेहपुर सिकरी नियर आगरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ल्ड सिटी, ठीक है। तो ये फतेहपुर सिकरी है जो एग्जाम्पल है वर्ल्ड सिटी का, ठीक है। हाउस बोट आर ऑल्सो फाउंड इन द बैक वाटर ऑफ केरला। हाउस बोट और कहाँ मिलते हैं? बैक वाटर ऑफ केरला में मिलते हैं। दे आर नोन एज केटुवलम। तो ये सब हम लोग क्या बोलते हैं? केरला में किस नाम से जाना जाता है? केरला में इसको केटुवलम के नाम से जाना जाता है। अंडरस्टूड। इग्लू आर स्ट्रेंज हाउसेज मेड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ आइस। इग्लू है जो एक स्ट्रेंज हाउस दिखाई देगा था आपको, जो ब्लॉक ऑफ आइस से बना हुआ होता है। एस्किमोज लिव इन इग्लू। और कौन रहते हैं इग्लू में? एस्किमोज रहते हैं, ठीक है। इन प्लेसेस वेयर इट रेन अ लॉट पीपल बिल्ड हाउस ऑन पोल्स कॉल्ड स्टिल्ट। जिस जगह बहुत ज़्यादा बारिश होती है लोग वहाँ हाउस कहाँ बनाते हैं? पोल्स में बनाते हैं, जिसको स्टिल्ट भी बोलते हैं। सो दैट दे आर ड्राई एंड सेफ फ्रॉम फ्लड, ताकि वो सूखे रहें और फ्लड से मीन्स बाढ़ से बचे रहें। दीज हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ सो दैट द रेन वाटर डज नॉट सेटल ऑन द रूफ। और ये सब हाउसेज में स्लोपिंग रूफ्स होता है, मीन्स इस तरह हाउसेज होते हैं, ताकि ये हाउस में पानी जमा ना रहे और पानी ईजिली नीचे बह जाए। Understood? In places where it snow the houses usually have sloping roofs। और ऐसे जगह में भी जहाँ बर्फ गिरते हैं उसमें भी स्लोपिंग रूफ्स होते हैं, ताकि बर्फ जमा ना रह के स्लोप से नीचे डाउन हो जाए। अलाउ द स्नो, स्लोपिंग रूफ्स अलाउ द स्नो टू स्लिप डाउन द ग्राउंड, ठीक है। स्लोपिंग रूफ से ये स्लिप डाउन होके नीचे ग्राउंड में गिर जाए, ठीक है। पीपल हु मेक आवर हाउसेस। चलिए तब अब पढ़ते हैं कि हम लोग के घर को कौन बनाता है। तो ये इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन लोग हमारे घर बनाने में हेल्प करते हैं। अंडरस्टूड। तो नंबर वन, इट इज़ गिवन अ आर्किटेक्ट मेक अ ड्राइंग ऑफ द हाउस। मीन्स हम लोग हाउस का ड्राइंग, जिसको हम लोग नक्शा बोलते हैं, वो कौन बनाता है? एक आर्किटेक्ट बनाता है या बनाती है। अंडरस्टूड। मेशन किसको बोलते हैं? मेशन जो ब्रिक्स, मेशन लेज ब्रिक्स विद सीमेंट, जो ईट और सीमेंट से बनता है, जिसको बोलते हैं दीवार बनाया जाता है, वो कौन बनाता है? मेशन बनाता है। अ कारपेंटर मेक्स डोर विंडोज एंड फर्नीचर। कारपेंटर क्या बनाता है? हमारे घर के डोर्स को, विंडोज, खिड़की, दरवाजे और जितने भी फर्नीचर होते हैं। ओके। इलेक्ट्रिशियन फिट द इलेक्ट्रिसिटी वायर लाइट्स एंड फैंस। इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? हम लोग के घर की इलेक्ट्रिक वायर्स, लाइट्स, फैंस को फिट करता है। अ प्लम्बर फिट टैप्स एंड पाइप्स। प्लम्बर क्या करता है? हमारे घर के नल को और पाइप्स को फिट करता है। अ पेंटर वाइट वॉश वॉल्स एंड पेंट डोर्स एंड विंडोज। पेंटर क्या करता है? हमारे घर को वाइट वॉश करता है, वॉल्स को, डोर्स और विंडोज को पेंट करता है। अंडरस्टूड। So this much is given in this chapter and here it is given the repeat of this chapter, means let us repeat। So सारे chapter में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लाइन बाई लाइन इसमें दिया हुआ है, जिनको नहीं समझ में आया फिर से एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड। सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एक्सरसाइज नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। पीपल इन विलेज लिव इन हट्स। ओके। पक्का हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड आयरन। No beds are people who travel from place to place। A house on wheel is called caravan। Igloos are houses made from block of ice। Understood? Second, it is given true false। A house protects us from heat, cold and rain। It is true।
पक्का हाउसेज आर बिल्ड यूजिंग वुड स्टोन मड एंड स्टोन, इट इज फॉल्स। पक्का उस किस चीज का बना होता है, सीमेंट ब्रिक का, ठीक है, आयरन का। अ टेंट इज मेड अप ऑफ कैनवास एंड कैन बी मूव्ड, इट इज ट्रू। डाल लेक इन कश्मीर हैज मेनी हाउस बोट्स, ओके ओके, इट इज ऑल्सो ट्रू। अ हाउस ऑन वाटर इज कॉल्ड कारावान, ओके, इट इज ऑल्सो, इट इज फॉल्स, ओके। अ हाउस ऑन वाटर इज कॉल्ड कारावान, इट इज फॉल्स। इलेक्ट्रिशियन फिट द इलेक्ट्रिक वायर एंड फैंस, इट इज ट्रू। अंडरस्टूड? सो एक्सरसाइज नंबर ए एंड बी इज कंप्लीटेड। Completed. So here it is question answer. You will write the question answer in the copy with the help of documents. Okay. Here it is given. Activity time. You will need chart paper, toothpicks, tweaks, crayons, glue stick, scissor, glue. Okay. Here it is given step by step. ये activity time है, step by step आपको करना है कि किस तरह करना है, ठीक है। इसमें दिया है glue, tweaks and toothpicks on the white chart paper to make the wall of the cabin, ठीक है। इसमें आपको घर बनाने सीखा बता रहा है कि किस तरह से होता है, तो इसमें टूथपिक का ज़रूरत होता है, ठीक है, टूथपिक का ज़रूरत है। क्रेयॉन्स मीन्स कलर का, ग्लू स्टिक और सीजर का, इसी से हेल्प से आप लोग घर बना सकते। यूजिंग रेड चार्ट पेपर टू कट द ट्राइंगुलर रूफ फॉर द कैबिन, कैबिन बनाना है, ठीक है। पेस्ट इट ऑन द चार्ट पेपर, पेस्ट इट ऑन द पेपर, कट एंड पेस्ट अ रेक्टेंगुलर डोर एंड स्क्वायर विंडो, एड अ डोर नॉब्स, चिमनी, वेल, हील्स, स्काई, सन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं चार्ट पेपर में कि कैबिन किस तरह बनाया जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है। सो ऑल ऑफ योर होमवर्क इज टू लर्न एक्सरसाइज नंबर ए, बी एंड ऑल्सो सी एंड रीड द चैप्टर nicely line by line, okay, understood? So thank you all of you.